हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार यूवी कंपटीशन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अपडेट्स है। आज 28 फरवरी 2019 के करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारा चैनल यूवी कंपटीशन सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के इच्छुक हैं, तो उसके लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज राष्ट्रीय समाचारों की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस्ड नेटवर्क 18 राइजिंग इंडिया समिट हेल्ड इन न्यू दिल्ली एंड लेड आउट हिज विजन फॉर ए न्यू इंडिया। द थीम ऑफ द समिट वाज बियॉन्ड पॉलिटिक्स डिफाइनिंग नेशनल प्रायोरिटीज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित नेटवर्क 18 राइजिंग इंडिया समिट को संबोधित किया और न्यू इंडिया के लिए अपना दृष्टिकोण रखा। शिखर सम्मेलन का विषय बियॉन्ड पॉलिटिक्स डिफाइनिंग नेशनल प्रायोरिटीज था। नेक्स्ट, असम चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल लॉन्चेज द प्रणाम कमीशन विच इज पैनल सेटअप टू लुक आफ्टर द इशूज कंसर्निंग ए बिल थ्रो आउट इन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पेरेंट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। The parent responsibilities and norms for accountability and monitoring bill stated to be the first of its kind bill in the country aims to protect elderly parents of government employees in their times of need। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रणाम आयोजन की शुरुआत की है, जो राज्य सरकार के कर्मचारियों के माता पिता की सुरक्षा के लिए लाए गए एक विधेयक से संबंधित मुद्दों की देखभाल के लिए गठित एक पैनल है। पेरेंट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉर्म्स फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड मॉनिटरिंग प्रणाम बिल देश में अपनी तरह का पहला बिल है, जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के बुजुर्ग माता पिता की उनकी जरूरत के समय में रक्षा करना है। नेक्स्ट, विद एन एम टू प्रमोट ओडिया फिल्म एंड क्रिएट ए कंडक्यू इकोसिस्टम फॉर प्रोडक्शन ऑफ फिल्म इन दैट रीजन, नवीन पटनायक लेड स्टेट कैबिनेट गेव इट्स नोट टू द ओडिशा स्टेट फिल्म पॉलिसी 2019। ओडिया फिल्मों को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र में फिल्मों के निर्माण के लिए एक अनुकूल इकोसिस्टम बनाने के उद्देश्य से नवीन पटनायक के नेतृत्व वाले राज्य मंत्रिमंडल ने ओडिशा राज्य फिल्म नीति 2019 के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट, आइए बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की। मुहम्मद बुहारी वाज री इलेक्टेड नाइजीरियाज प्रेसिडेंट, रिजल्ट शोड आफ्टर ए डिलेड पोल दैट एंगर्ड वोटर्स एंड लेड टू क्लेम्स ऑफ रिगिंग एंड कॉलुशन। मुहम्मद बुहारी को नाइजीरिया के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है। नतीजे कुछ देरी से मतदान के बाद सामने आए, जिससे मतदाताओं में नाराजगी थी और ये धांधली और मिलीभगत के दावों पर चलते था। आइए बात करते हैं अवार्ड्स पुरस्कारों की। एमिनेंट इंडियन प्ले राइटर महेश एल कुंचर हैज बीन चूजन फॉर दिस ईयर्स मेटा लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड। द प्ले राइट विल बी कन्फर्ड अपॉन विद द अवार्ड ऑन मार्च 12 अलोंग विद द विनर्स ऑफ द 14th महिंद्रा एक्सीलेंस इन थिएटर अवार्ड मेटा फेस्टिवल। प्रख्यात भारतीय नाटककार महेश एल कुंचवार को इस वर्ष के मेटा लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चुना गया है। प्रख्यात नाटककार को 12 मार्च को पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही थिएटर अवार्ड्स मेटा फेस्टिवल में 14वें महिंद्रा एक्सीलेंस के विजेताओं को भी सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट, आइए बात करते हैं बैंकिंग न्यूज बैंकिंग समाचारों की। स्टेट रन बैंक ऑफ बड़ौदा हैज टाइड अप विद जर्मनीज KfW डेवलपमेंट बैंक फॉर फंडिंग ऑफ 113 मिलियन USD टू रिफाइनेंस सोलर प्रोजेक्ट्स। द टाई अप इज पार्ट ऑफ एन इंडो जर्मन सोलर
एनर्जी पार्टनरशिप साइंड इन 2015। राज्य द्वारा संचालित बैंक ऑफ बड़ौदा ने सौर परियोजनाओं को पुनर्वित्त करने के लिए 130 मिलियन अमेरिकी डॉलर के एक वित्त पोषण के लिए जर्मनी के KfW डेवलपमेंट बैंक के साथ समझौता किया है। समझौता 2015 में हस्ताक्षरित एक इंडो जर्मन सोलर एनर्जी साझेदारी का हिस्सा है। नेक्स्ट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI हैज टेकन ऑफ इलाहाबाद बैंक, कॉरपोरेशन बैंक एंड धनलक्ष्मी बैंक फ्रॉम द प्रमोट करेक्टिव एक्शन PCA फ्रेमवर्क अलाउिंग दैम टू रिज्यूम दियर नॉर्मल लैंडिंग एक्टिविटीज। भारतीय रिजर्व बैंक ने इलाहाबाद बैंक, कॉरपोरेशन बैंक और धनलक्ष्मी बैंक को प्रमोट करेक्टिव एक्शंस ढांचे से हटा दिया है, जिससे उन्हें अपनी सामान्य उदार गतिविधियों को फिर से शुरू करने की अनुमति मिल गई है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं एग्रीमेंट समझौतों की। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया IWAI एंड इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL साइंड एन MOU फॉर जॉइंटली डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फ्यूल्स ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल LPG नेचुरल गैस एंड एनी अदर रिलेटेड फ्यूल एंड गैस फॉर मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ नेशनल वाटरवेज। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL ने राष्ट्रीय राजमार्ग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ईंधन ल्यूब्रिकेटेड ऑयल तेल LPG प्राकृतिक गैस और किसी भी अन्य संबंधित ईंधन और गैस के लिए संयुक्त रूप से विकासशील बुनियादी ढांचे के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट, बुक्स एंड ऑथर्स किताब एवं लेखक। वाइस प्रेसिडेंट M. Venkaiah Naidu लॉन्चेज द बुक टाइटल्ड क्वालिटी एक्रीडिएशन एंड रैंकिंग ए साइलेंट रिवोल्यूशन इन द ऑफरिंग इन इंडियन हायर एजुकेशन एडिटेड बाई एजुकेशन प्रमोशन सोसाइटी फॉर इंडियाज EPSI अल्टरनेट प्रेसिडेंट डॉक्टर H. Chaturvedi इन न्यू दिल्ली। उपराष्ट्रपति M. Venkaiah Naidu ने नई दिल्ली में एजुकेशन प्रमोशन सोसाइटी फॉर इंडिया EPSI के वैकल्पिक अध्यक्ष डॉक्टर H. Chaturvedi द्वारा संपादित क्वालिटी एक्रीडिटेशन एंड रैंकिंग ए साइलेंट रिवोल्यूशन इन द ऑफ द इंडियन हायर एजुकेशन नामक पुस्तक का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है और लास्ट न्यूज, स्पोर्ट्स न्यूज, खेल समाचार। मनु भाकर एंड सौरभ चौधरी क्लिंच द गोल्ड मेडल इन द 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट एट द ISSF वर्ल्ड कप इन न्यू दिल्ली। मनु भाकर और सौरभ चौधरी ने नई दिल्ली में ISSF विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपका करंट अफेयर्स है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब यूवी कंपटीशन चैनल और साथ ही साथ अनअकैडमी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।